वेलकम टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो आज है धनतेरस और अभी सुबह सुबह मैं एनके के साथ आ गया हूँ हाथी बागान। कहा जाता है कि कुछ ना कुछ मेटल्स आपको लेना पड़ेगा, मोस्टली बोना या यू नो सिल्वर ही लोग लेते हैं। मगर अगर आपका बजट नहीं हो गोल्ड एंड सिल्वर लेने के लिए तो आपको तो यही सभी लेना पड़ेगा। एनके कुछ बर्तन छोटा सा कुछ ले रही है, तो आज धनतेरस का स्टार्टिंग तांबा का बर्तन से। तो ये देख लीजिए, दिवाली का पूजा हम लोग का भी स्टार्ट हो चुका है और कैंडल सब हम लोग अभी जला दिए हैं। काली पूजा, दिवाली, भाई दूज सारा चीज खत्म। अब हम लोग निकल पड़े हैं दोबारा क्या के लिए बताओ एमके, बताओ। फ्लैट हंट, बस फ्लैट हंट हम लोग अभी भी निकल गए। इसका बीच में भी हम लोग निकले थे, हम लोग जहाँ पर गए थे बस वही लालच में नया फ्लैट है और विद इन आवर बजट है। मगर वो जो ओनर है वो बोला कि इट्स नियर बाई टू एयरपोर्ट, 2.5 नंबर के पास में है। हम लोग पहुँच गए वहाँ पर, बस जैसे 2.5 नंबर पहुँचे तो हम लोगों को बताया गया कि थोड़ा और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए मतलब। तो बेलघोरिया एक्सप्रेस हाईवे में पहुँच गए, बीच में उतरना पड़ा और वहाँ से उतर के जो जगह गए इट वॉज नॉट वर्थ। तो हम लोग का क्राइटेरिया क्या है? हम लोग का क्राइटेरिया यही है कि एट प्रेजेंट वी आर इनटू से अराउंड 1900 स्क्वायर फीट, क्योंकि हम लोग 5 जन हैं। तो हम लोग उसका आधा एरिया ढूंढ रहे हैं 2 BHK 3 BHK में, दैट इज़ अराउंड 900 to 1000 स्क्वायर फीट। मगर अभी हम लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अवेल करते हैं, कम्युनिकेशन एकदम सही होना चाहिए, ऑटो बस वगैरह आराम से मिल जाए ऐसा जगह होना चाहिए। ये तो हो गया प्राइम हम लोग का जो पॉइंट है वो होना चाहिए, दूसरा विद इन बजट होना चाहिए एंड थर्ड कम से कम थोड़ा सा डिसेंट हाउस होना चाहिए। बस ये सारा चीज़ मिला के हम लोग का फ्लैट का हंट है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हो रहा है। आज भी हम लोग कहीं पर जा रहे हैं मैं और एमके, तो लेट्स फिंगर क्रॉस कुछ अच्छा मिल जाए, बस यही सोच के संडे आज निकल पड़े। तो वैसे ही संडे का दिन तो हर किसी के घर में संडे बिजी डे होता ही है। एमके को भी बोला है कि कैसे भी करके किचन कंप्लीट करो। एमके सब हो गया आज किचन का काम कंप्लीट, किचन का काम कंप्लीट करके हम लोग निकले हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो मम्मी कर लेगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए वो लोकेशन जहां पर हम लोग आज दोबारा आ रहे हैं। ये लोकेशन भी आप ही लोग मुझे सजेस्ट किया था लास्ट व्लॉग में देखकर, तो हम लोग वहां पर पहले भी गए थे और आज सेकंड टाइम पहुंच गए हैं। वहां पर एक फ्लैट हम लोग देखे थे, अब दूसरा आज हम लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीज़न यही है कि यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस है, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सिटी से अंदर पड़ रहा है तभी रेट वहाँ पर थोड़ा डाउन है। पर अगर हम लोग थोड़ा सा जाने आने में तकलीफ कर ले, रहने के लिए जगह अच्छा है। सो दैट इज़ दी ओनली थिंग विच हैज़ इंक्लाइंड अस टू विजिट अस वंस अगेन, और रेफरेंस आप ही लोग का था। तो चलिए और देर नहीं करेंगे, अंदर चलते हैं और जाके ये वाला फ्लैट को देखते हैं कि पसंद आया कि नहीं आया। तो फ्लैट तो अभी आप लोग भी देख लिया और हम लोग भी देख के आ गए, हम लोग को तो अच्छा लगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा और रेंट को थोड़ा कम किया जाए तो अच्छा है, तो वो लोग अभी बताएंगे करके बोले हैं। एमके पसंद आया तुमको? ये वाला जो फ्लैट है ये हम लोग को पसंद आया है, थोड़ा सा डिस्टेंस है पर दिस इज गुड। तो अभी हम लोग वापस सॉल्ट लेक आ गए हैं, घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो मेरा लंच तो हो गया है, घर आने के बाद सबसे पहले लंच कर लिया हूँ क्योंकि काफ़ी दूर गया था, भूख बहुत जोर का लग गया था। तो हम लोगों को तो पसंद आया है, मगर सबसे बड़ा चीज़ कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। फ्लैट आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए। और अगर हम लोग का बजट जो हम लोगों को रिक्वेस्ट किया है अगर उन लोगों को एक्सेप्टेंस हो जाता है तो इन दैट केस हम लोग मतलब फाइनलाइज के लिए सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड मेरा फंड वगैरह का अरेंजमेंट सही टाइम में हो जाए। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और आज का अपडेट जो है आप लोगों को मिल गया है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, और आपका राय आना भी बाकी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबका मालिक एक है। ओम साई राम, बाय, टेक केयर।